हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार बालाजी एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है कि हम नंबर सिस्टम पार्ट टू नहीं, ये पार्ट तीन है, सॉरी। तो दो वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड कर दिया है नंबर सिस्टम का। आर एस अग्रवाल मैथ का सलूशन करवा रहे हैं हम, और जो कि SSC GD और भी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे बहुत ध्यान से कीजिए और वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखिए। मैं इसमें अभी तक सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आपको बताया था, जो कि नंबर सिस्टम के बारे में हर एक छात्र को होना चाहिए, और दूसरे में कुछ बेसिक जो जोड़ घटाव गुणा भाग के ऐसे सवाल थे उनको मैंने करवाया था। अब इसमें कुछ हैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, उसको भी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ट्रिक से भी बताऊंगा और फार्मूले से भी बताऊंगा। मैं फार्मूला आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि अगर आप फार्मूला कर लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप ट्रिक को याद रखेंगे, ट्रिक को फॉलो करेंगे तो भी अच्छा है। ट्रिक से आप मात्र 2 सेकंड में आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में यानी पार्ट टू में मैंने आपको 3 क्वेश्चन खुद से करने को कहा था, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। तो उसको उम्मीद है आपने किया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करूंगा। नंबर सिस्टम ये आर.एस. अग्रवाल मैथ का सलूशन मैं करवा रहा हूं, तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो, और हमें सपोर्ट कीजिए जिससे हमारा मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए बेहतर काम कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं अब आज क्वेश्चन नंबर 14 से करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूं जिससे आपको जानकारी मिली रहेगी। हालांकि अगर आपको फॉर्मूले भारी लगते हैं, याद करने में दिक्कत होता है, तो कोई बात नहीं है, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा उसका। जैसे एक होता है a² - b², तो ये क्या होता है, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा कहीं, ठीक है। इसका क्या होता है, a + b * a - b, इंटू यहाँ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो ब्रैकेट में हो जाता है वहाँ गुणा ही होता है। इस तरह से a - b इस तरह से होता है। एक तो ये हो गया। फिलहाल जैसे जैसे जिस पर बेस्ट क्वेश्चन आएगा मैं आपको फॉर्मूले बता दूंगा, ठीक है। तो ये है, फिलहाल आप इसे याद रखिए, ठीक है। चलिए मैं इसको आप याद रखिए, उसके बाद मैं आपको दूसरा जब आएगा, दूसरे क्वेश्चन का यूज आएगा, तब मैं आपको फॉर्मूले बता दूंगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 14 है 999² - 998², तो इसको कैसे करेंगे, सेम उसी तरह से 999² - 998², तो वही सेम फॉर्मूले पर बेस्ड है a² + b². सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। 999² - 998² तो इसका क्या होगा, एक ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा, एक ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 999 + 998, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 999 - 998, ठीक है। तो ये 999 में से 998 चला जाएगा, तो यहाँ एक बचेगा, और फिर यहाँ पे 999 + 998 हो जाएगा 1997। अब इसका एक से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1997 हो जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही है इसमें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है, सी आपका राइट हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं, इसको इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर है 15 भी सेम इसी तरह से है, बस आपको एक स्टेप और कम करके दिया है। देखिए जैसे 106 × 106 है, ठीक है, 104 × 104 - 94 × 94, क्या ये a² - b² नहीं लिखा हुआ है,
आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये है, तो एक बार इसको जोड़ देंगे फिर एक बार इसको माइनस कर देंगे, 106 प्लस 94 इंटू 106 माइनस 94, सेम इसी तरह से हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 106 में से 94 जाएगा, तो ये इधर बचेगा 12, और इधर क्या बच जाएगा, 106 प्लस 94 ये 200 हो जाएगा। अब 200 इंटू 12 करेंगे तो 12 दूना 24 और 00 2400, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2400 ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है हमें। अब क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं, सॉरी 15 नहीं 16 ले लेते हैं। 16 भी सेम कैसे है, सेम इसी तरह से है। आप देख सकते हैं 217 इंटू 217 प्लस 183 इंटू 183, तो इसमें प्लस दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरह से दिया हुआ है। अब ये देखिए इसे यहाँ प्लस में दे दिया है, इसलिए थोड़ा इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया है। जैसे कैसे 217 इंटू 217 प्लस 183 इंटू 183, अगर माइनस में दिया होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन इसको भी करेंगे, इसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा है तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर यहाँ देख सकते हैं 217 इंटू 217 ये है प्लस में 183 इंटू 183। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ये सेम लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं अलग कर लेता हूँ 217, अगर मैं इसको यहाँ पे यहाँ से इतना मैं अलग कर लेता हूँ, इसको अलग और इसको अलग, ठीक है। ये अपने माइंड से ही करना पड़ता है ये सब चीज़ें, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी, मैथ प्रैक्टिस ही मांगता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मैथ बेहतर होते जाएगा। तो इससे आपको घबराना नहीं है कि हम कैसे आएगा कि अब यही करना है, ये आपको खुद से आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। अब देखिए इसको 217, अब मैं इसको सीधा क्या लिख देता हूँ, अगर मैं 200 प्लस 17 का होल स्क्वायर लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मैं 217 का स्क्वायर ही लिख सकता हूँ इसको, ये 217 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, और 200 प्लस 17 का भी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे ये प्लस लगा के फिर आगे का इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये 200 माइनस 17 कर सकता हूँ। देखिए 183 में से अगर 200 में से अगर 17 जाएगा तो 183 हो जाएगा। देखिए ये 200 माइनस 17 का होल स्क्वायर, अभी हमारा एक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया, मैं आपको बता देता हूँ। एक फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ मैं केवल डायरेक्ट पूरा लिख देता हूँ, चलिए पूरा लिख देता हूँ। क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना होता है, 2a² प्लस b² इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब हम इसको कर लेते हैं, मैं इसे चलिए लिखा रहने देता हूँ। इसका कैसे हो जाएगा, 217 सेम इसी फॉर्मूले पे रख देंगे, दो इधर रख देंगे, ए क्या है हमारा, ए 200 है, बी क्या है 17 है, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, 200 का 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 2 0 के बदले 4 0 आ जाएगा, ठीक है, यही तो होता है, आप स्क्वायर करते हैं तो 2 0 बढ़ जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जब मैं रूट क्यूब और स्क्वायर आपको करवाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा पॉइंट का जीरो का कितना जीरो कब लगता है, सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया प्लस, अब 17 का कितना होता है स्क्वायर, 289 होता है, ठीक है, 17 का 289। तो अब इसको आराम से जोड़ सकते हैं, चाहिए तो पहले ही गुणा कर लीजिए फिर जोड़िए, या जोड़ कर गुणा कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिलहाल जोड़ कर गुणा कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 40 और ये 289 इतना हो जाएगा, इंटू 2 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब इसको जब करेंगे गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा,
दोनों 18 8 और फिर 2 8 16 1 17 7 फिर 5 0 फिर 8। हाँ ये हो जाएगा 80578, 80578 ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसा किस ऑप्शन में है 80578, ये ऑप्शन बी में है, ठीक है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है, उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, तो उसमें भी है और उसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि केवल मैं फॉर्मूला बताऊंगा। इसमें जैसे इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, उसमें आपको मैं अगर फॉर्मूला बता दूंगा आप एग्जाम में वहां रिकॉल नहीं कर पाएंगे और उसे कर भी नहीं पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप सोचते रहेंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, तो इस तरह से हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप कॉन्सेप्ट भी जरूर समझिए, ट्रिक तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर समझिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एक बार बैठ जाता है और उसे आप भूलते नहीं, ठीक है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 456 × 456 प्लस 144 × 144 × 2 × 456 × 144, ये तो यही फॉर्मूला है, आपने सुना होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला तो आपने 6-7 से कब से हम पढ़ते आ रहे हैं, पूरा इसी में बचपन निकल गया, आज तक ये पीछा नहीं छोड़ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए जरूरी होता है। अब इसको मैं बता देता हूँ कि आप जानते होंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले तो मैं इसे ऐसा ही लिखता हूँ, आपको समझ में बेहतर आएगा, कैसे, जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन में 456 × 456 456 × 456 और फिर क्या है प्लस 144 × 144 प्लस 2 × 456 × 144, ये है। अब देखिए मैं इसे अगर कहूँ ये ए है, ये ए है, जितना 456 है ये ए है, और ये 144 लिखना था, 144 × 144, और ये अगर मैं कहूँ ये बी है, बी इंटू बी, यहाँ भी इंटू, ठीक है, प्लस 2 तो फॉर्मूले में भी रहता है, इंटू ये ए इंटू बी, सेम ऐसे ही तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं इसको लिख दूं ए स्क्वायर, क्योंकि ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको मैं लिख दूं बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 × ab तो है ही, ये लीजिए सेम वही फॉर्मूला आपका आ गया, इतना इक्वल क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो हमें ये सब सीधा ना करके सीधा ए प्लस बी को जोड़ देना है और उसका स्क्वायर कर देना है, तो मैं इसको अब यहाँ से मिटा देता हूँ, चलिए लिखा रहने देता हूँ, तो 456 प्लस 144 इसको जोड़ के इसका होल स्क्वायर कर देंगे, 456 और 144 कितना हो जाएगा, 56 और 44 100 हो जाएगा, 400 और 500 और 600 का होल स्क्वायर। अब 600 का होल स्क्वायर तो आप जानते ही होंगे, 6 × 36 और 2 0 की जगह 4 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये ऐसा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 18। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 है, आप देख रहे हैं इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा और उसको आपको याद नहीं करना है, बस केवल ये ध्यान में रखना है कि ये ऐसा होता है, ठीक है, कैसे, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, ये आपको केवल ध्यान रखना है, आपको याद नहीं करना है, बस केवल ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर हमेशा 4 ही आएगा, पर आपको केवल ये ध्यान रखना है कि हाँ ये कितना है, आप फॉर्मूला आपको थोड़ा ध्यान रहेगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर माइनस है, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब हो जाएगा 4ab।
अब क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कितना है, 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर प्लस 589 माइनस 187 माइनस है इसका, ये भी होल स्क्वायर है। अगर मैं क्या 589 को अगर ए मान लूं और 187 को अगर बी मान लूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम वही सेम टू सेम लिखा हुआ है, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो मतलब मैं जो इतना लिखा हुआ है 589 और ये सब पूरा लिखा हुआ, इसके जगह पे मैं 4a भी नहीं लिख सकता हूँ, और बटे में जो लिखा हुआ है 589 इंटू 187 उसको भी तो मैंने ए बी ही माना है, ये ए बी इस तरह से नहीं हो जाएगा और ये कट जाएगा, ए बी से ए बी बराबर क्या 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको केवल ध्यान रखना है 4 किस ऑप्शन में है, 4 ए ऑप्शन में है, ए राइट हो जाएगा, इसको आप देखते ही आंसर कर सकते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, बस आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जब ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो उसका आंसर हमेशा 4 ही आता है, और नीचे उसमें ऐसा ही रहेगा। देखिए जो ए बी रहेगा, जिस जो जो ए बी रहेगा आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 589 है और 187 है उसी का मल्टीप्लाई करके ही नीचे दिया रहेगा बटे में, तो आप उसको आराम से काट सकते हैं, इसका आंसर 4 ही होगा और कुछ नहीं होगा। ये ट्रिक है इसका, आप चाहे ट्रिक समझ लीजिए चाहे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ट्रिक कहीं से बन के नहीं आता है, फॉर्मूले से ही बनता है, ये आपको ही पता है। अगर नहीं पता है तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आप खुद से भी ट्रिक बनाने लगेंगे, इतना आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं, 19 में भी सेम इसी तरह से है। देखिए ये फॉर्मूला है, इसमें ये भी आपको याद नहीं रखना है, बस मैं आपको केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं ट्रिक ही बताऊंगा लेकिन ट्रिक आपको समझ में आएगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये सॉरी 19 जो है इसी पर बेस्ड है, ठीक है। कैसे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इसका जो फॉर्मूला है ये कितना होता है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी और दूसरे में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरह से होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और प्लस वाला ऐसा प्लस वाला भी होता है, जब प्लस वाला आएगा तो मैं आपको प्लस वाला भी बताऊंगा, लेकिन ये आपको याद नहीं करना है, बस केवल आपको ध्यान रखना है, आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ फिर ट्रिक भी बताऊंगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 375 इस तरह से तीन टाइम दिया हुआ है, यानी 375 का क्यूब माइनस 105 का क्यूब। अब अगर मैं 375 को ए मान लूं, या आप चाहिए आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, पूरा नंबर ही मानिए, लेकिन ए मान लेंगे तो आपको फार्मूले से एकदम बढ़िया से हो जाएगा, और मैं आपको जब ट्रिक बताऊंगा तो आपको फार्मूले का कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको पहले एक बार ऐसे बता देता हूँ कि जब 375 को आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैं इस फॉर्मूले को मिटा देता हूँ, मैं ये समझाने के लिए था आपके, ठीक है। 375 × 375 × 375 माइनस 105 है, 105 × 105 × 105 इसके बटे में क्या है, 375 × 375 × 375 × 105 + 105 × 105 इसी तरह से है, और ये यहाँ पे प्लस है ये रहा। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, अभी क्या बताया है, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में होता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। अब अगर मैं इसको, ये देखिए आप, ये ए क्यूब बी क्यूब ही लिखा हुआ है, अगर मैं इसको पूरा खोलूंगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, और अगर इस तरह से आ जाएगा, अगर ऊपर इस तरह से आ जाएगा तो नीचे देखिए ए स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ये रहा बी स्क्वायर, ए बी ये रहा ए बी, और ये ए क्यूब और ये बी क्यूब हो गया। अब मैं इस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जो भी इसको खोलने के बाद आएगा उससे मैं इसको काट दूंगा या नहीं काट दूंगा, ये आराम से कट जाएगा और बचेगा क्या, ए स्क्वायर ए माइनस बी बचेगा सीधा, ये रहा। अब आपको यहीं से अगर ट्रिक लगाना है तो आप यहीं से कर सकते हैं पूरा। कैसे, आपने क्वेश्चन देखा, यहाँ देखना है आपको बीच में एक बार देखा, ये थ्री टाइम है, ये क्यूब वाला है, बीच में माइनस है, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा 375 माइनस 105 कर देना है, 375 माइनस 105 कर देना है। ये आपको कुछ याद ही नहीं रखना है, फॉर्मूला क्या है भाड़ में गया फॉर्मूला, हमें तो केवल सवाल करना है, एग्जाम में अच्छे से करना है और कम समय में करना है। तो अब 375 में से 335 है, 375 नहीं है क्वेश्चन में, 335 है, मिस्टेक हो गया, लेकिन कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी रहे उससे हमें क्या, हमें तो क्यों ये ट्रिक सब जगह लगेगा अगर इस तरह से है जो 335। वो मैंने क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया कि क्वेश्चन क्या था, बस मैं ऐसे ही बताने लग गया 335। अभी आंसर नहीं मैच करता इसमें, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन बना के आप देख लीजिएगा अपने मन से, आप क्वेश्चन बना के उसको सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब 335 में से 105 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 735 मेरा कहने का मतलब वही है कि अगर आप इस तरह से देखेंगे कहीं तो ये बीच वाला आपको सीधा देखना है कि ये क्या है, 735 में से मैं सीधा 105 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा, 30 में से 5 जाएगा, पहले में से 5 जाएगा 30 और 600 में से 700 में से हो जाएगा 630। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, और 630 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में ही है, ठीक है। अब इस तरह से जितना भी आएगा मैं एक आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, दूसरा मैं ट्रिक से ही कर दूंगा, एकदम देखते ही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 20। अब देखिए 20 नंबर में क्या है, इसमें थोड़ा आपको घुमा दिया है, आपको दिमाग लगाना है, लेकिन करना कुछ नहीं, सेम वही करना है, मैं वही करूंगा और कुछ नहीं करना, जो चीज ऊपर करना था वो नीचे कर दिया है, जो नीचे करना था वो ऊपर कर दिया है, 680 × 680 ये थ्री टाइम नीचे कर दिया है, यानी 680 का क्यूब प्लस 320 का क्यूब, और ऊपर में दे दिया है तो वही होगा। अगर 680 को मैं पूरा खोलूंगा तो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आएगा उससे ऊपर वाला कट जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, मतलब ऊपर जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ एक होता है, आप जानते ही हैं, और नीचे मैं सीधा क्या कर दूंगा, 680 और प्लस 320, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 900 और 80 × 20 = 100 1000 हो जाएगा, और ऊपर में एक है ही, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो एक बचा, तो 1/1000 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल, एक ही तुरंत आ जाता है, ये किस ऑप्शन में है, 1/1000, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, बी आपका राइट हो जाएगा। इस तरह से एक तुरंत आप देखते ही आंखों आंखों में ही कर सकते हैं, थोड़ा आपको लॉजिक लगाना है बस अपने पास से, क्योंकि वो कुछ भी कभी 2 का मल्टीप्लाई कर देगा नीचे, तो आपको जैसे अभी 4 वाले ऑप्शन में कभी 2 का मल्टीप्लाई कर देगा तो आप 4 ही करेंगे, उसका मल्टीप्लाई आपको कर लेना है बस। आप ये जानते हैं कि इतने का जो है आपको एक दिया हुआ है कि हाँ आप इतना जानते हैं, इतने का आंसर कितना आएगा, उससे जितने मल्टीप्लाई किया रहेगा उतने जितने भाग किया रहेगा वो आपको कर देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में है जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें प्लस वाला फॉर्मूला आ गया, आप देखिए ऊपर 963 प्लस 137 आ रहा है बीच में, जहाँ मैंने माइनस बताया था, तो इसमें ये सेम वैसे होता है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का नहीं, ए स्क्वायर नहीं, क्यूब होता है ये, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है, फिर दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरह से होता है ये फॉर्मूले में, ठीक है। तो आपको ये मैं केवल आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आपको ये करना नहीं है, आप इतना थोड़ी करने जाएंगे एग्जाम में, एग्जाम में तो हमें कम समय में करना है, आप बस केवल यहाँ पर देखेंगे कि ये 963 प्लस 137 ये बीच में क्या है, ऊपर में, नीचे वाला तो कट जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो सवाल ही गलत है, आप समझ लीजिए, ऐसा और कोई सवाल हो नहीं सकता, बस केवल यहाँ मल्टीप्लाई करके ऐसा कुछ कर सकते, तो आपको उससे घबराना नहीं है, जैसे अब यहाँ पे इतना करने के बाद में पूरा
यहाँ जैसे दिया हुआ था ए क्यूब बी क्यूब, उसके बाद में यहाँ टू का मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें क्या है जो आंसर आया उसमें टू का मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या, और कुछ करना नहीं है उसमें। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। अब देख रहे हैं वह 963 प्लस 137, इसको सीधा सीधा हम जोड़ देंगे बस, और कुछ नहीं करना, बाकी जो भी आएगा आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसको जोड़ देंगे तो 37 प्लस 63 100 हो जाएगा, 900 प्लस 1000 यानी 1100, 1100 आपका आंसर हो जाएगा। और 1100 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कैसे है, अब क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, देखिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 बटा 112, इसको कैसे करेंगे। आप ये फॉर्मूला जानते ही हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये उसमें सेम ऊपर वाले में वही लगा देना है। तो 256 मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, 256 प्लस 144 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और ये 256 माइनस 144 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और बटे में 112 है तो 112 कर देंगे इसको। अब ये कैसे होगा मैं यहाँ लिखता हूँ, 256 प्लस 144 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, 56 44 100 और 200 और 300 400, 400 ये हो जाएगा इंटू 256 में से 144 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 बचेगा, 112 बचेगा, 112 और ये बटे में 112 है। ठीक है, अब ये इससे एक से कट जाएगा, सीधा क्या बचेगा, 400 आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, बी आपका राइट हो जाएगा। इस तरह से आपको केवल थोड़ा लॉजिक समझना है और उसके बाद ट्रिक लगाना, पहले आप लॉजिक से कीजिए फिर ट्रिक का प्रैक्टिस कीजिए तभी आपको समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 23 है अगला, थोड़ा लैंग्वेज पर बेस्ड है, इसको भी करेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए दिया हुआ है यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो ए का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं। अब हम जानते हैं, पहले मैंने आपको बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये 19 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम कर लेते हैं कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, यहाँ ऊपर थोड़ा लिखता हूँ, स्पेस का प्रॉब्लम है थोड़ा, तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। अब मैं अगर 19 को इंटू एक कर दूं कोई दिक्कत नहीं, किसी भी चीज़ को एक से गुणा करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये आपको पता ही है वही रहता है। ठीक है, तो अब ये मैंने क्यों किया है, बनाने के लिए किया है, तुलना करने के लिए। अब यहाँ से हम तुलना कर सकते हैं, देखिए a प्लस बी 19 के बराबर है, इधर का इधर से कर देंगे और इधर का इधर से कर देंगे, तो a प्लस बी 19 के बराबर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी 19 के बराबर है, a माइनस बी, a माइनस बी एक के बराबर है, इतना समझ में आया आपको। अब ये जैसे आप समझ लीजिए ये दो समीकरण है और ये आपको दोनों जोड़ देना है, तो आप इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहीं से आप तो जोड़ दीजिए, मैं यहीं कर देता हूँ अलग नहीं करता हूँ। देखिए b ये प्लस में है और इसको माइनस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, एक प्लस उधर, एक b प्लस में है एक b माइनस में है, तो ये जीरो हो जाएगा, और a यानी 2a हो जाएगा बराबर 19 और 1 20 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर, जब 2a बराबर है 20 के तो एक a का हमें वैल्यू निकालना है, तो 20 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 10, और ये 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 10 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन डी है, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, तो अब अगला क्वेश्चन मैं इसमें नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं मैक्सिमम 30 मिनट का ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूं, इससे ज़्यादा मेरे पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं अभी कर पाऊँ, तो बाकी का मैं अगले में सोल्यूशन करवाऊँगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं 29 मिनट 40 सेकंड तक हो चुका है लगभग, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, मैं इसी तरह से आपकी तैयारी मजबूत करवाऊँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।